स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल एजुकेशनल सक्सेस मंत्र। और आज की जो अपनी क्लास है मैथ की क्लास, उसमें हम रोमन नंबर पर डिस्कशन करेंगे। रोमन नंबर क्या है? तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना नोइंग आवर नंबर क्लास जो सिक्स का, उसी का एक पार्ट है रोमन नंबर। इससे जो पिछली क्लास थी अपनी, उसमें हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी रोमन नंबर पर, और 20 तक 1 to 20 तक जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। 1 से लेके 20 तक भी रोमन नंबर को हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। तो एक टेबल यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है आपके लिए। इसमें अगर हम देखें तो देखिए 1 to 10 है, ये बार बार रिपीट होती है डिजिट्स। 1 to 10 ये बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। इसके अलावा तो 1 to 10 तो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक। फिर 50 के लिए हम एल लिख देते हैं, 100 के लिए सी, और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं एम को। तो जो स्टूडेंट्स रोमन नंबर की लास्ट क्लास नहीं देख पाए थे, तो आप देखेंगे राइट साइड में, इस वीडियो के राइट साइड में आपको एक आई बटन दिखेगा। उस आई बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो रोमन नंबर जिस पर हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, वो भी आप देख पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम 21 वाली लाइन जो है हमारी 21, क्योंकि 20 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम 21 की बात करते हैं तो देखिए x और x आपका 20 हो जाता है, और यहां पर क्या लगा दें आप 1 लगा दें, ये आपका क्या बन गया 21। तो इस तरह से अब हम 1 2 3 4 5 6 ऐड करते चलेंगे। जी हाँ, अब आपको बनाना आ जाएगा 21। जैसे ही मैं जाऊंगा 22 की तरफ तो x 20 और यहां पर 2, तो ये बन गया आपका 22। तो ये जो है हम कहां तक लेके जाएंगे, इस तरह से चलेंगे तो यहां पर लास्ट में आ जाता है हमारे पास 30। 21 की लाइन में अगर हम चलें तो लास्ट में हमारे पास 30 आता है, और 30 के लिए हम 3 बार x x x और x इस सिंबल का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बहुत ही इजी है 21, तो 20 के लिए 2 बार x, क्योंकि इस x से हम 10 को डिनोट कर रहे हैं, 10 और 10 20 और ये 1 21, ये क्या हो गया आपका 21। फिर 10 और 10, फिर 1 और 1 2, तो ये 22। इस तरह से अब 3 लगा देना आगे वाले, 3 लग जाएगा, फिर 4 लग जाएगा, और ऐसे लास्ट में हम कहां पर पहुंचते हैं 30। तो 30 पर अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 3 टाइम x। यहां पर एक रूल भी है हमारे पास, और वो रूल क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम हम एक सिंपल को केवल 3 टाइम जो है रिपीट कर सकते हैं। तो एक सिंपल जो वहां भी हमें रिपीट करने की जरूरत रहती है, तो यहां पर हम क्या है रूल भी हमें याद रखना है, मैक्सिमम कितना 3 टाइम। हम किसी भी इन सभी सिंबल में से कोई भी सिंबल है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे सिंबल 3 बार रिपीट होंगे, जिसको भी हम अगर रिपीट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि अब कल को कोई स्टूडेंट 40 के लिए 1 2 3 4 और वो कहता है ये 40 हो गया, तो ये रॉन्ग है, ये क्या है आपका रॉन्ग। देखिए ये रॉन्ग है, इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4, अब इसको अगर कहें कि ये 40 हो जाएगा तो ये रॉन्ग है, ये क्या है आपका गलत है, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है हम मैक्सिमम 3 टाइम किसी सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम, तो यहां पर जो रिपीट हो गया है वो 4 टाइम हो गया, इसीलिए ये रॉन्ग है। इसीलिए मैं बता रहा हूं
कि भाई जो रिपीटेशन है मैक्सिमम कितनी, तो 40 को हम इस तरह से 4 टाइम एक्स करके रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं अपने, ये 21 वाली लाइन थी, अब 31। तो 31 में देखो एक्स 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 3 टाइम तो पॉसिबल है, कर दिया हमने, और ये क्या हो गया 1। इसी तरह से क्या होगा 32 33 34 35, लास्ट में हम आते हैं 40। तो 40 को लिखने के लिए अब अगर मैं कहता हूं 32 तो क्या होगा x x x और फिर क्या हो जाएगा 2, ये आ गया आपका 32। ठीक है, 40 को लिखने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी यानी l की। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 40 के लिए, अगर मैं 40 यानी इस तरह से हम 40 तक पहुंच, 39 तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि 9 हमारे पास है, 30 के लिए 3 बार लगा दो 39 बन जाएगा। 40 की अगर बात करें तो 40 के लिए जो है हम देखें तो हमारे पास 50 को डिनोट करने के लिए एल है, तो जो बड़ी डिजिट है एल उसके लेफ्ट साइड में, ये आपके राइट है, लेफ्ट साइड में अगर एक्स लगा देता तो लेफ्ट साइड में छोटी है। जब भी कोई सिंबल राइट साइड वाला बड़ा हो और लेफ्ट साइड में छोटी डिजिट का सिंबल हो तो वो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है वो, सब्सट्रैक्ट। तो एल होता है 50, अगर मैं इसको देखूं तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40। जी हाँ, 40 के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, एक्सेल। मार्केट में शर्ट टी शर्ट वगैरह लेने जाते हैं तो रोमन नंबर में बोलते हैं ना भैया एक्सेल साइज दिखा दो, एक्सेल का मतलब क्या हो गया आपका 40, साइज कौन सा हो गया वो 40। जी हाँ, तो 40 को डिनोट करना है तो एल 50 वाला लेंगे और उसके बैक साइड में लेफ्ट साइड में क्या लगाएंगे एक्स, वो क्या हो जाएगा उसमें से माइनस हो जाएगा। तो यानी 50 में से 10 माइनस होगा तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या बचेगी 40। तो ये हमने यहां पर देख लिया आपका 40 का। अब 41 से अगर शुरू करें तो 40 क्या होता है एक्स एल, ये 1 हो गया। 42 की अगर बात करें एक्स एल 2, इस तरह से हम कहां पर पहुंच जाएंगे 50। इस लाइन में अगर कंटिन्यू चलते जाएं तो क्या बनेगा अपने पास 50, और 50 के लिए तो हमारे पास एल, 50 में हम क्या यूज कर लेते हैं एल। ठीक है, इसी तरह से 50 के बाद 51 सेम रहेगा पैटर्न, ये ऊपर वाला पैटर्न सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब 50 के बाद 51 फिर 52 और इस तरह से लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 60। तो अब 60 के लिए एल है और एक्स इधर लगा दो एल एक्स, तो आपका 50 तो एल हो गया और उसके राइट साइड में जो भी है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब क्या है लेफ्ट में तो हमारी बड़ी डिजिट है और राइट में क्या है छोटी, लेफ्ट में है हमारे पास 50 और राइट में है 10, 50 प्लस 10 ये प्लस हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 60, ये एलएक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो है 61 वाली जो लाइन है, तो अब आप समझ गए होंगे 61 में क्या होगा आपके पास, तो 60 को देख लो, तो 60 क्या हो जाएगा एल एक्स और ये 1 2 3 यही यूज हो जाएंगे सारे, 9 तक कंटिन्यू आएगा तो 1 आ गया, फिर इस 2 को उठा के लगा देना 62 में, ये 2 आ जाएगा, 63 में इस 3 को साथ में लगा देना, ये सब में कॉमन आएगा एल एक्स, अब यहाँ 2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे एल एक्स, ये इस तरह से। तो लास्ट में अपने पास क्या आएगा फिर 70। तो 70 के लिए जो है, जी हाँ, तो 70 के लिए क्या करेंगे एल तो 50 होता ही है, दो बार एक्स लगा दो, तो 50 प्लस 10 60 और प्लस 10 क्या हो गया आपका 70। तो बहुत ही इजी है, तो ये आपका क्या बन गया 70। नेक्स्ट अगर देखें 70 के बाद फिर 71 2 3, अब 71 2 3 देखो 70 के साथ ये लगा दो तो एल एक्स एक्स 50 60 71 71 फिर 72, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और फिर अब लिखना है 80। तो देखो 80 के लिए 80 L तो है ही है, X, 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 जी हाँ, मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम, तो रूल भी हमें याद रखना है। तो 80 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, L, X, X, L, X, X, L means 50 और 3 टाइम हम X को रिपीट कर देंगे, ये 80 हो जाएगा। फिर वही है 81, अगर हम 81 करना है तो 1 को ले आओ यहाँ पर, 81 के लिए क्या हो जाएगा, L, X, X, X और 1 आ गया, फिर L, X, 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 2 आ जाएगा, फिर 3 को ले आओ 3, 83, 4 को ले आओगे 84, 5 को ले आओगे 85, 6 के साथ 86, 7 के साथ 87 और इस तरह से, फिर आता है अपने पास 90, जी हाँ, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। 90 की अगर बात करें तो अगर हम ऐसा लिखें L, X, 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 रॉन्ग है, जी हाँ ये रॉन्ग है, गलत है। मैक्सिमम रिपीट कितनी टाइम हो सकता है, 3 टाइम, कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो फिर सही क्या होगा, L, तो इसमें L यूज नहीं करेंगे अब, हमारे पास 100 आ जाता है। C, 10 कम कर दो तो पीछे की तरफ लिख दो, बैक साइड में बड़ी डिजिट C है, 100 माइनस 10, तो 100 में से 10 कट करेंगे तो अपने पास क्या रह जाएगा, ये 90s, यानी C के बैक साइड में X लिखेंगे। और हमने देखा है कि लेफ्ट साइड में अगर छोटी डिजिट है तो वो क्या हो जाती है, माइनस, तो C 100 होता है, पीछे की तरफ है ना X, बैक साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 90 बन जाएगा आपका, ये 90 है, 40 नहीं है, 40 जैसा दिख रहा था 90, ठीक है, तो ये 90 हो गया। और 100 का आपके पास है सी, 100 के लिए क्या है, डायरेक्ट सी यूज करो। अब C के बाद फिर क्या हो जाएगा, 101, फिर 102, 103, 104, इस तरह से। तो यहां पर अगर हम देखें तो आगे तो मैक्सिमम जो है सिक्स क्लास में 100 तक आपको अगर डिजिट बनानी आती है 100 तक, तो उसके बाद आप जो मर्जी डिजिट्स इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 500, उसके लिए डी यूज कर लेंगे हम, और फिर 1000 के लिए क्या करेंगे, एम। तो ये जो है हमारा रोमन नंबर जो टॉपिक है 1 to 100, ये कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। हम 1 से 100 जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी रहेगा। अब कुछ रूल्स हैं इसके, तो रूल्स अगर देख लेते हैं तो क्या रहेंगे, मिस्टेक जो है हमारी कम होती है। तो रूल देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहला रूल तो मैं यही कहूंगा, ये लिखने तो हमें याद रहने चाहिए हमेशा, ये जो लिखे हुए ना आपके पास 1, 2, 3 और ये एम तक, इसको तो अच्छे से याद कर लो, जिससे दूसरे नंबर क्या होंगे, इजीली बन जाएंगे। अब बाकी रूल क्या कहते हैं, रिपीट होने वाला एक रूल तो आपको पता लग ही गया कि जो रिपीट होता है वो कितनी टाइम हो सकता है, मैक्सिमम 3 टाइम, मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 3 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें वी एल और डी, वी एल और डी जो है ये कभी रिपीट नहीं होते। तो अगर वी बी का मतलब ये वाला क्या होता है, 5 के लिए, ये कभी रिपीट नहीं होंगे, नेवर रिपीट। तो इसको याद रखें, यहां पर जो रूल है रूल्स में फर्स्ट है एक तो 5 वाला सिंबल, यानी ये बी, इसके साथ साथ अगर हम देखें और कौन सा होता है, एल और डी, एल डी जो है ये 3 जो है ये रिपीट नहीं होते, नॉट रिपीट या नेवर, नेवर रिपीट, कभी भी जो है ये रिपीट नहीं होते, नेवर रिपीट, ये याद रखना है। ऐसा कहीं नहीं दिखने का मिलेगा दो एक साथ आ जाए,
फाइव और फाइव टेन बना दोगे, कभी नहीं होगा, कभी भी ये रिपीट नहीं होंगे। कोई कहे स्टूडेंट जी टेन बनाना है, टेन ये फाइव और ये फाइव थी प्लस कर लो टेन बन गया, रॉन्ग है, ठीक है, नहीं होगा। तो जो वी है जो फाइव को डिनोट कर रहा है, एल है और डी है, ये नेवर रिपीट, कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें यहां पर, अगर जो राइट साइड की जो वैल्यू है, पहले हम यहां पर राइट और लेफ्ट इस तरह से मैं बता देता हूं आपको, राइट साइड और लेफ्ट साइड दो इसमें याद रखने हैं आपको। अगर राइट साइड की वैल्यू बड़ी है, देखें सिंबल में देखें, मान लो अगर हम देखते हैं राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में मैंने एक्स लगा दिया और राइट साइड में हमने लगाया वन, ये। अब यहां देखें इसको हम टेन और ये क्या है वन, बड़ा कौन सा है, राइट वाला बड़ा, सॉरी लेफ्ट वाला बड़ा, इसमें कौन सी डिजिट बड़ी है, लेफ्ट साइड वाली। अगर लेफ्ट साइड वाली बड़ी है और राइट साइड वाली डिजिट छोटी है, ये क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी इलेवन हो जाता है, ये ध्यान रखना। दोबारा देखें रूल सेकंड, रूल जो है सेकंड क्या कहता है, राइट साइड की डिजिट अगर छोटी हो, राइट साइड की डिजिट क्या हो, छोटी हो, तो क्या करना है हमें, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं रूल्स को। तो रूल सेकंड क्या कहता है, दोबारा देखें, देखो राइट और ये लेफ्ट, तो राइट साइड की डिजिट है ये वन और लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास टेन, तो ये क्या बन जाएंगे आपके, इसको हम क्या पढ़ेंगे यहां पर इलेवन, प्लस हो जाएंगे, ऐड ऐड हो गया, राइट साइड में स्मॉल और ये क्या है लेफ्ट साइड में है, डिजिट क्या है आपकी बड़ी है, तो ये प्लस हो जाएगी। उल्टा करके देख लो, एक्स को इधर ले आओ, वन को यहां ले, ठीक है। अब इसको इलेवन नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट भैया वन ये टेन ये सर इलेवन हो गया, नहीं, रूल क्या कहता है, राइट साइड में अगर छोटी डिजिट है लेफ्ट साइड में बड़ी है प्लस। अब राइट साइड में देखो क्या है टेन, लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास वन, माइनस हो जाएगा, यानी टेन माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा नाइन, तो दूसरे वाले में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका नाइन आएगा, तो आंसर क्या है ये नाइन, ये नाइन फोर जैसा बन जाता है ये नाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लेफ्ट और राइट वाला डिजिट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो आप दो चार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे राइट और लेफ्ट लिख करके तो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो लेफ्ट और राइट का रूल हमें याद रखना है। सेकेंड नेक्स्ट थर्ड रूल जो है अपने पास वी एल और जो डी है वो कभी भी लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी ये लेफ्ट में नहीं है तो ये कैसे, देखो यहां पर अगर हम देखें एक रूल थर्ड रूल अगर देखें क्या हम यहां पर देख पा रहे हैं, थर्ड रूल हमारा कहता है सिंबल कौन कौन सा वी एल एंड टी, ये एल और ये जो टी है, ठीक है। तो द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल, तो ये किसी भी सिंबल के लेफ्ट में नहीं आते, तो नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू, तो किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में ये नहीं आएंगे, जैसे राइट और ये लेफ्ट है। अब ऐसा नहीं है कि राइट में कोई ग्रेटर वैल्यू हो ये लेफ्ट में, यानी ये यहां पर कभी नहीं, आगे कुछ राइट में कोई और बड़ी वैल्यू हो ये पीछे कभी नहीं आते, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये जो है बैक साइड में कभी भी नहीं आएंगे,
नेक्स्ट अगर देखें यहां पर जो है जो सिंबल आई है ये केवल दो में से ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, एक तो v और x में से। तो i इज सब्सट्रैक्ट ओनली या i कैन बी सब्सट्रैक्ट ओनली, कैन बी सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट ओनली सब इसमें से i जो है इसमें से सब्सट्रैक्ट हो सकता है। अगर हम देखें एक तो 10 में से और एक यानी x में से और एक इन दोनों में से, और कहीं से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ये सब्सट्रैक्ट यानी ये इन्हीं के पीछे आ सकता है सब्सट्रैक्ट होने के, और किसी के पीछे नहीं आएगा। या तो x के पीछे आ जाएगा 9 बना देगा, या 5 के पीछे आ जाएगा तो 4 बना देगा। सब्सट्रैक्ट होने के लिए केवल इन दो के पीछे ही आएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते c के पीछे 1 लगा दिया 99 हो गया, रॉन्ग है, ये नहीं होगा इस तरह से। c के पीछे 1 लगा के 99 पॉसिबल नहीं है, यानी आयु जो है वो क्या है केवल इन दो के ही पीछे की तरफ आ सकता है। ये राइट में होंगे और आयु किस तरफ होगा लेफ्ट में, तो एक ये आ गया। नेक्स्ट जो है अगर यहां पर देखें एक्स जो है वो एल एम और सी में से सब्सट्रैक्ट हो सकता है। जो एक्स है ये एक्स ये किसमें से एल सी और एम इन तीन में से सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो कैन बी सब्सट्रैक्ट कैन बी ओनली इसमें से ये x जो है l c और m, जो x है वो इसमें से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, c में से m में से d में से x नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो x जो है सब्सट्रैक्ट किस किस में से हो सकता है आपका l m और c, ये हमें कुछ रूल्स जो है यहाँ पर ध्यान रखने हैं। हालांकि ये जो ज्यादातर रूल है ये बड़ी डिजिट्स बनाने में, जो बड़ी डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है वहां पर काम में आते हैं। 100 तक जो है केवल रिपीट वाली जो है रिपीटिशन यानी तीन टाइम रिपीट, अगर वो भी याद रहता है अपने को तो अपना काम चल जाता है। ये तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें क्या करने हैं फॉलो करने हैं। इसके लिए नंबर लिखने के लिए इसमें रोमन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।